हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो जियोलॉजी सब्जेक्ट है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो ये आपका जो क्वेश्चन है ये मोस्टली आरटीओ एग्ज़ाम्स में 5 मार्क्स, 8 मार्क्स एंड 10 मार्क्स का पूछा जाता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है एक्सप्लेन कॉलमनर जॉइंट्स एंड मुलर जॉइंट्स, यानी आपके जो कॉलमनर जॉइंट्स और मुलर जॉइंट्स जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कॉलमनर जो आपके कॉलमनर जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। अगर अपन कॉलमनर जॉइंट्स की बात करें तो आपके जो कॉलमनर जॉइंट्स होते हैं उनकी अगर बात करें तो ये कॉलमनर जॉइंट्स जो होते हैं आपके वो आपके वॉल्केनिक इग्नियस रॉक जो होते हैं उससे मिलकर बने होते हैं। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इन्हीं को अपन बोलते हैं प्रिज्मेटिक जॉइंट्स, यानी आपके जो कॉलमनर जॉइंट्स होते हैं वो आपके मेनली टाइपिकली वॉल्केनिक इग्नियस रॉक होती है उससे मिलकर बने होते हैं। सेकेंड, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक जॉइंट बोलते हैं। थर्ड, अगर इसकी बात करें अपन तो ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये जो जॉइंट्स होते हैं ये आपके जो स्प्लिट्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ प्रिज्म होते हैं जिनको अपन कॉलम भी बोलते हैं। तो अगर अपन बात करें तो आपके जो कॉलमनर जॉइंट्स होते हैं वो स्प्लिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रिज्म जिनको अपन क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो अगर अपन कॉलमनर जॉइंट्स की बात करेंगे तो दिस जॉइंट्स स्प्लिट रॉक बॉडी इनटू लॉन्ग प्रिज्म डेट इज़ कॉल्ड कॉलम। नेक्स्ट, आपका जो कॉलमनर जॉइंट्स होता है उनकी जो डायमीटर्स होती है वो कुछ फ्यू सेंटीमीटर टू 16 सेंटीमीटर तक होती है, यानी इनकी जो डाया की अगर अपन बात करें तो इनकी जो डाया होती है वो आपकी फ्यू सेंटीमीटर, अगर नॉर्मली बात करें फ्यू सेंटीमीटर टू सर्वल मीटर्स होती है, यानी आपके जो कॉलमनर जॉइंट्स होते हैं उनकी जो डायमीटर ऑफ दिस प्रिज्मेटिक कॉलम्स रेंज फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू सर्वलर मीटर्स, यानी कुछ सेंटीमीटर से लेके कुछ सेंटीमीटर तक उसकी डायमीटर्स होती है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो होता है ये कॉन्ट्रेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसमें क्या होती है, टेंसाइल जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेंसाइल फोर्सेज ड्यूरिंग कूलिंग, आपका जब वॉल्केनो जब भी आपका कूलिंग होगा तो उसमें क्या होता है वो डायरेक्टली जो है आपका वो टेंसाइल जो फोर्सेज होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो कॉलमनर जॉइंट्स क्या हो गए, अगर कॉलमनर जॉइंट्स की अगर अपन बात करें तो कॉलमनर जॉइंट्स जो होते हैं वो मेनली आपके वॉल्केनिक इग्नियस जो रॉक्स होती है उनके मिलकर बने होते हैं। सेकेंड, इनको अपन क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक जो होता है आपका प्रिज्मेटिक जॉइंट्स भी बोलते हैं इनको। और अगर इन जॉइंट्स की बात करें तो ये जॉइंट्स जो है आपके स्प्लिट रॉक बॉडी इनटू लॉन्ग प्रिज्म कॉलम, यानी ये क्या करते हैं, आपका जो भी लॉन्ग प्रिज्म कॉलम जो उस बॉडी को स्प्लिट करेंगे, अगर उसको स्प्लिट करोगे आप पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये लॉन्ग कॉलम में डिवाइड होते हैं। इनकी क्या लेंथ ज़्यादा होती है इसकी वजह से इनको जब हम डिवाइड अगर इसमें अपन स्प्लिट कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है आपका पार्ट में डिवाइड्स हो रहा है। डायमीटर ऑफ दिस प्रिज्मेटिक कॉलम्स रेंज फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर्स, अगर नॉर्मली बात करेंगे तो इनकी जो डायमीटर्स होती है वो कुछ सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर्स होती है और ये जो है टेंसाइल फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका हो गया कॉलमनर जॉइंट्स। नेक्स्ट अपना जो जॉइंट्स होता है वो होता है आपका मुलर जॉइंट्स। अगर मुलर जॉइंट्स की अपन बात करें तो मुलर जॉइंट्स जो होते हैं वो आपके अगर ग्रेनाइट रॉक मासेस जो होते हैं उससे मिलकर बने होते हैं। पहला, इन ग्रेनाइट रॉक मासेस, यानी ये जो मिलकर बने होते हैं किससे बने होते हैं, ग्रेनाइट रॉक मासेस से मिलकर बने होते हैं। दूसरी अगर अपन बात करेंगे तो ये 3 सेट्स में होते हैं, इसमें इसका अगर फर्स्ट 1 सेट जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, बाकी अदर जो बाकी के जो 2 बचे हुए हैं वो आपके वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 2 अनदर जो आपके सेट्स है विच आर इन परपेंडिकुलर या राइट एंगल। दूसरी अपन बात करें, तीनों जो सेट्स होते हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर या राइट एंगल पर होते हैं, ठीक है। और अगर अपन इसको स्प्लिट करेंगे तो ये अगर स्प्लिट करेंगे तो ये क्या करता है आपको, ये आपको क्यूबिक ब्लॉक जो है उनको डिवाइड करता है, क्यूबिक ब्लॉक जो उनका फॉर्म करता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका, इसमें ग्रेनाइट रॉक मासेस होता है। सेकेंड, 3 सेट्स ऑफ जॉइंट्स में अकर। थर्ड आपका, इन सच अ वे सेट इज हॉरिजॉन्टल एंड द आउटर सेट्स आर वर्टिकल, अदर सेट जो भी आपका है वो वर्टिकल होते हैं। ऑल 3 सेट्स बींग म्यूचुअली राइट एंगल टू ईच अदर, यानी आपके जो भी आपके नॉर्मली अगर सेट्स की बात करें तो उसमें आपका जो सेट्स है उसमें क्या होता है,